ऑल इंडिया मजलिस से एतहदुल मुस्लिमीन प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की आलोचना की कि भीड़ हत्या पश्चिमी तरीका है। भागवत ने कहा कि देश को बदनाम करने के लिए इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि भीड़ हत्या के पीड़ित भारतीय हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि भागवत भीड़ हत्या रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ये किसी के पक्षधर नहीं है। समाज के दो समुदायों में आपस में झगड़ा हो, यही उनका हेतु है। इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, आरएसएस है। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी, एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है। और अगर आज मोहन भागवत ये कहती है कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक हिंदुस्तान या भारत से नहीं है, नहीं मिस्टर मोहन भागवत, मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से है। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या वो क्या था फिर? वो एक एक सिख को चुन चुन कर मारा गया था। क्या 2002 में गुजरात में जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी थे, क्या कत्लेआम नहीं हुआ? क्या एक लड़की जो हामिला थी, जिसको एक नहीं 15 लोगों ने रेप किया, उस लड़की के सामने उसकी मासूम बच्ची को सर पर फेंक कर उसको जान ली और उसके रेप के बाद उसका हमल साकित हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, सुनो मिस्टर भागवत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको 50 लाख दो। क्या था फिर ये मॉब लिंचिंग? अगर भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो रोको अपने लोगों को। क्या तबरेज को मारने वाले कौन है? घुटसे की औलाद। अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, कोर्ट ने उन मुजरिमीन को सजा दी, बेल पे निकल कर आए, तो आपका मिनिस्टर जयंत सिन्हा फूल का हार पिनाता है। क्यों पिनाया मॉब लिंचिंग वालों को? इखलाक को मारने वालों का एक मुल्जिम मर गया तो उसके ऊपर हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा उसकी जिस्म पर रखकर यूनियन मिनिस्टर जाकर उसके जिस्म पर फूल का हार रखता है। बोलो ये क्या है फिर?